उत्तराखंड के मौसम को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। उत्तराखंड में लोगों को फिलहाल ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग की माने तो एक बार फिर शीतलहर देखने को मिल सकती है और इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड मौसम विभाग की माने तो शीतलहर को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह शाम कोहरे ने लोगों के यहाँ मुश्किलें बढ़ा दी है। शाम होते ही पारा लुढ़क रहा है, जिस कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिन एक जैसा बने रहने की संभावना है। पहाड़ी और मैदान में बढ़ती ठंड से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो उधम सिंह नगर समेत हरिद्वार और आसपास के मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर को लेकर चेतावनी दी गई है। वहीं उथला कोहरा लगने से लोगों की परेशानियां बढ़ सकती है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के अन्य शहरों में मौसम शुष्क रहेगा। बताते चले कि उत्तराखंड में इन दिनों पहाड़ों से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के माने तो आज हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में बहुत ज्यादा कोहरा छाने की संभावना है, और इसी के मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। कोहरा छाने से उत्तराखंड में सुबह शाम विजिबिलिटी कम रह गई है। घूमने आए टूरिस्ट भी देर से होटलों से घूमने निकले, वहीं विजिबिलिटी बहुत कम होने से गाड़ियों की लाइट जलाकर चलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट और उसके आसपास आज घना कोहरा छाया रहा, इससे हवाई उड़ानों की आवाजाही ठप हो गई। घने कोहरे ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को भी आगोश में ले लिया। विजिबिलिटी बेहद कम है। यहां से आने और जाने वाली उड़ानें प्रभावित हुई। देश के अन्य शहरों से भी आने वाली फ्लाइट या तो आसमान से वापस लौट रही या फिर उनको कैंसिल किया जा रहा है। हवाई सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में कोहरे के साथ मौसम बहुत सर्द है। सुबह कई जगहों पर तापमान -1 डिग्री सेल्सियस था। सुबह 8 बजे के बाद तापमान किसी तरह 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। दिन में तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। आज धुंध वाली धूप है। आसमान में 51% बादल है। हवा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। मौसम से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए रायशुमारी को अभी सब्सक्राइब कर लें।